आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। जिले में आज कुल 38 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। साथ ही जिले में एक साथ 119 नए मरीज संक्रमित हुए। 5 कोरोना मरीजों की मृत्यु हो गई है और जिले में कोरोना पॉजिटिव मौतों की कुल संख्या 42 हो चुकी है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी 1113 हो गई और कुल कोरोना बाधितों की संख्या बढ़कर 2335 पर पहुंच चुकी है। कोरोना के लिए सकारात्मक परीक्षण करने वालों में भंडारा तहसील से 37, साकोली से 14, लाखांदूर से 3, तुमसर से 11, मोहाड़ी से 12, पवनी से 13 और लाखनी तहसील से 29 मरीज शामिल है। अब तक 1113 मरीजों ने कोरोना को सफलता पाई है। जिले में अब 1180 सक्रिय मरीजों के साथ 2335 पर पहुंच चुकी है। 9 सितंबर को 173 व्यक्तियों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया और 1469 व्यक्तियों को आइसोलेशन वार्ड से छुट्टी दी गई है। जिले में अब तक 15,551 व्यक्तियों का एंटीजन टेस्ट किया गया, जिनमें से 1,664 व्यक्ति पॉजिटिव तो 13,887 निगेटिव आए हैं। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।